हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी LEDs और आज मैं आपको पांच ऐसे सिंपल से तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं LED का कौन सा टर्मिनल कौन सा है, मींस कौन सा LED का टर्मिनल नेगेटिव है और जो कौन सा पॉजिटिव है। काफ़ी सिंपल से तरीके से मैं बताने वाला हूँ। टोटल पाँच तरीके मैं इसमें बताऊँगा। तो गाइस, सबसे पहला तरीका जो है उसमें हम पता करेंगे कैसे कि हमारा LED का कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। सबसे पहले LED लेंगे और LED में देखेंगे जो गाइस यहाँ पर जो चौड़ी प्लेट होगी अंदर की तरफ LED के अंदर, आप जैसे देखते हैं जो चौड़ी साइड चौड़ी प्लेट है वो तो हमारी होगी नेगेटिव, यानी कि ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो गया। और जो सिंपल कील की तरह है पतला सा जो पतली प्लेट है वो हमारी यहाँ पर जो पॉजिटिव होगी। तो गाइस, इस तरीके से पता लगाते हैं। और ये जो टेक्निक है ये अल्टीमेट है, यूनिवर्सल टेक्निक है, ये सभी तरह की LEDs में काम करती है। यहाँ पर ये गाइस LED दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की LEDs, हो सकता है ये ट्रांसपेरेंट LED है वाइट कलर की जो आपको दिख रही है, बट हो सकता है ये रेड कलर में आए, ग्रीन कलर में आए, ब्लू कलर में आए, जिस भी कलर में आए। तो इसका तरीका यही है सिंपल सा, जो चौड़ी साइड होगी यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल की होगी, जो चौड़ी साइड होगी वो नेगेटिव टर्मिनल की होगी और जो पतली साइड होगी वो होगी यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की। ऑलराइट गाइस, अब देखेंगे दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कह रहा पता करेंगे LED का कौन सा टर्मिनल नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। लेते हैं यहाँ पर LED ले ली मैंने यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर जो LED की वायर है, LED के जो टर्मिनल है उससे पता करते हैं कौन सा टर्मिनल हमारा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। तो गाइस, LED के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे LED का जो बड़ा टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो दूसरा टर्मिनल जो कि छोटा है वो नेगेटिव होता है हमेशा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर जो दो टर्मिनल है, एक छोटा है एक बड़ा है। जो लॉन्गर टर्मिनल है वो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा टर्मिनल है वो हो गया यहाँ पर नेगेटिव। हालांकि हर LED में ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ LED स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनाते। जैसे कि मेरे पास ये दूसरी LEDs हैं, ये मैंने साइड में रखी हुई, हालांकि ये दिखने में ऐसी ऐसी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, इसकी जो फ्लैट सरफेस है वो यहाँ पर लंबी है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल इस LED में बड़ा है और पॉजिटिव इसमें छोटा है। तो इसलिए गाइस, मैंने इसलिए बताया था कि जो पहला तरीका है वो अल्टीमेट है अपना। पहले तरीके से क्या उठेंगे, आप LED का जो प्रॉपर पता कर सकते हैं कौन सा LED का टर्मिनल आपका नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। इसलिए सेकंड वाला तरीका तब काम करता है जब LED प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनी हो। ऑलराइट, अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरे तरीके में गाइस हम पता लगाएंगे इसके LED का जो फ्लैट सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग। फ्लैट LED में फ्लैट सरफेस होता है। जैसे कि मैंने ये LED ली, अब इसमें देखो गाइस, यहाँ पर दोनों टर्मिनल है, एक तरफ तो राउंड हो रखा है, यहाँ पर ये पूरा राउंड हो रखा है, बट एक साइड में यहाँ पर ये सरफेस जो फ्लैट हो रखा है, इस फ्लैट सरफेस के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस है गाइस वो नेगेटिव साइड में होता है हमेशा। यहाँ पर ये LED वाला टर्मिनल देख लीजिए आप, ये नेगेटिव साइड में, इसमें फ्लैट सरफेस जो फ्लैट है, तो यानी ये सरफेस जो होता है नेगेटिव साइड में होता, तो बाकी दूसरा वाला टर्मिनल जो हो गया हमारा ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव। तो गाइस, अब चौथा तरीका जो है वो भी यूनिवर्सल तरीका है। इसमें पहला तरीका और चौथा तरीका जो यूनिवर्सल है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप LED का कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। चौथा तरीके लिए हमें चाहिए एक बैटरी चाहिए, यहाँ पर ये PC क्लॉक बैटरी है। ऑलराइट, तो इसके लिए क्या हम सिंपल सी LED लेंगे और लगा देंगे इसके बैटरी के टर्मिनल पर। तो गाइस, हमारे पास LED जो जल पड़ी है यहाँ पर, तो हमारे बैटरी जो है, बैटरी का ये टर्मिनल, ये साइड जो होगी यह नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर नेगेटिव पर लगाने पर जल रहा है तो यानी ये वाला टर्मिनल इसमें नेगेटिव हो गया। ऑलराइट, और उल्टा लगाते हैं तो देखो नहीं जल रहा, तो इस LED में जो उल्टा है यहाँ पर। ऑलराइट, तो यानी हमारे टर्मिनल का ये जो नेगेटिव हो गया। इसमें वाइट कलर की LED भी लगा के देख सकते हैं हम। ऑलराइट, ये टर्मिनल सेल का हमारा नेगेटिव है, इसलिए LED का ये वाला टर्मिनल यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ये वाला टर्मिनल जो LED का पॉजिटिव हो गया। तो गाइड, ये तो चौथा तरीका था इस बैटरी के अकॉर्डिंग चेक करने का। अब जो पाँचवा तरीका है वो बताऊँगा मैं मल्टीमीटर से कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए चाहिए हमें मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हम सेट कर लेंगे कंटिन्यूटी पे। ऑलराइट, और ये हमारे जो मल्टीमीटर के टर्मिनल हो गए, इसमें ब्लैक वाला जो नेगेटिव है और रेड वाला जो पॉजिटिव है, देखो कंटिन्यूटी पे, यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है। तो LED लेंगे कोई सी भी, ऑलराइट गाइस, ये LED हमारी देखो यहाँ पर ग्लो करने लगी। हमने ये वाली अलग अलग टर्मिनल पहले मल्टीमीटर के टर्मिनल लगाए, ये देखिए हमारी LED जो ग्लो करने लगी। अब मैं हटा देता हूँ तो नहीं ग्लो करती, ये ग्लो करने लगी। हमारा रेड वाला टर्मिनल जो था मल्टीमीटर का वो इस तरफ था और जो नेगेटिव वाला इस तरफ था। LED हमारी ग्लो कर रही है, हटाने पे नहीं ग्लो कर रही, तो यानी ये वाला टर्मिनल जो हमारा नेगेटिव हो गया और ये वाला हो गया पॉजिटिव या राइट साइड वाला। तो आप मल्टीमीटर से इस तरीके से जो LED के टर्मिनल का पता लगा सकते हैं। तो गाइस, ये काफ़ी सिंपल सी काफ़ी इजी सी ट्रिक थी जिससे आप पता लगा सकते हैं LED का कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो गाइस, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बताऊँगा जो बिना मल्टीमीटर के भी है वो यही था जो कि पहला तरीका था,
आप एलईडी के जो अंदर जो प्लेट है, प्लेट को देख लें कौन सी प्लेट यहाँ पर जो चौड़ी है कौन सी पतली है। जो चौड़ी प्लेट है वो यहाँ पर जो नेगेटिव है, और जो पतली वाली जो प्लेट है वो सिंपल पतली सी है, कील की टाइप की, वो जो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एलईडी का टर्मिनल का इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो कर दें लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। हम फ्यूचर में इस तरह की टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।